आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो, जस्ट कि भैया आपने गर्लफ्रेंड बनाई है कभी कॉलेज में, कंपनी आना कब से स्टार्ट होते हैं। तो टेल मी अबाउट योर फर्स्ट क्रश। पहली क्रश थी मेरी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज दो पेपर हैं, AI एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा कि आपको पता है, और मे बी शायद आज हम सोलाना के इवेंट में जाएं, जिस कारण हमने कल रात को बात करी थी, देखते क्या हो सकता है। अभी तो चल रहे सीधा पेपर देने, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बचे 10 मिनट अपने एग्जाम हॉल तक। तो तुम लोगों को मिलता हूँ एक पेपर के बाद। One shift later. तो गाइज, अभी हमारा पहला पेपर हो गया एंटरप्रेन्योर का, और देखो दिव्यांश बिल्कुल सीरियस होते हैं, क्वेश्चन भाग लग रहे हैं। AI का अभी हमारा पेपर है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पढ़ा दे भाई, कुछ तो पढ़ा दे। नहीं आता मेरे को, थोड़ा सा रोक के पढ़। हम सब यहाँ बैठे हैं, ऐसे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। क्या आता है AI के बारे में? AI का AI की डेफिनेशन बता कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ और बाकी निकल बताएगा। अरे उसमें तीन तीन रील बना रहे हैं, दुनिया भर का ज्ञान फेल के रीलों पे। तो कि सुन, मैं बता दूं डेफिनेशन। अब अगर ये AI के पेपर में फेल हो गया तो सबसे पहले आंसर किसकी निकाल रहे वीडियो? इसकी। सुंदर डांस करता है निकल भैया, छोटा सा स्टेप प्रॉपर कॉलेज चालू रहने की एक डांस क्लब ज्वाइन नहीं करा मैंने आने के बाद। मेरे सस्ते माइकल। लेटर Many minutes later. 3 hours later. तो आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स। तो भाई जो लोग कमेंट करते थे, आज फाइनली तुम्हारा मैं 1-on-1 आंसर करने वाला हूं। पूरी वीडियो देखना, 5 से 6 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हम कवर कर रहे होंगे इस Q&A वीडियो में। तो चलो अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, कंपनी आना कब से स्टार्ट होते हैं? तो हमारे जुलाई से होती हैं, और अभी तक कैंपस में कितनी कंपनीज आ चुकी है? 50 से ज्यादा कंपनीज आ चुकी है, 150 से और 150 से ज्यादा बच्चे प्लेस हो चुके हैं। तो 150 मतलब 120-130 बच्चे प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्सेल शीट की लिंक लगा, हाँ वो मैं लगा दूंगा। बट यस, हाँ जुलाई के स्टार्टिंग से आपके आना शुरू हो जाएंगे कंपनी। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम है ओरेकल, फोन पे और कौन कौन सी, नेटवेस्ट, IBM, SP, स्प्रिंकलर, HP, Zscaler। अभी तक Zscaler ने शुरू नहीं कर अपना अभी तक, तो मतलब 4 से 5 ये बड़ी कंपनी आई थी, बाकी सारी छोटी छोटी कंपनी। छोटी कंपनी मतलब जो 10 लाख के अराउंड पैकेज देती है। Q&A का अगला सवाल है, टेल मी अबाउट योर फर्स्ट क्रश। मेरी कोई क्रश नहीं है। क्रश कैसे नहीं हो सकती बताइए? 12th में थी। क्या नाम था उसका? ये नहीं बता रहा मैं, बता दो, रिवील कर दो आज अपनी प्रेम कहानी, जाहिर कर दीजिए। पहली क्रश थी मेरी, नाम बताना? नहीं नाम नहीं बताना। तो फिर नाम इन्होंने में आई से स्टार्ट होता उसका नाम। आई से, बढ़िया, ठीक है बस। हाँ आई गॉट यू, ठीक है। आई से फिर उसे कैसे क्रश का क्रश ही रह गई वो, या फिर आपको क्रश करके चली गई अंदर से? मेरे को क्रश करके चली गई। ओह माय गॉड, ये तो सैड कहानी है निखिल भाई। उसके चक्कर में तो मैंने चैनल खोला था। मोटिवेशन है निखिल भाई की क्रश। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब आया था थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत लोग पूछे भैया आप प्लेसमेंट ले रहे हो नहीं ले रहे हो? भाई मैं प्लेसमेंट ले रहा हूँ, मेरे मतलब और भी प्लान्स है, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट है, क्योंकि मैंने कॉलेज को इतने पैसे दिए हैं। और हाँ मैं प्लेसमेंट्स में बैठ भी रहा हूँ, बट क्या है ना, कंपनीज अलाउ भी नहीं, जो कुछ कंपनीज अलाउ करती हैं, मैं मान चुका जिसमें हुआ उसको कुछ कंपनीज अलाउ करा, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आ रही है वो सॉफ्टवेयर रोल के लिए आ रहे हैं, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग या मार्केटिंग के रोल्स के लिए नहीं आ रही। तो मोस्टली मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के लिए मतलब थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, बट यार जब कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा मैं क्या करूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ सीखने का, ताकि मैं कुछ कंपनीज को क्रैक कर पाऊँ इनिशियल या बिगनर लेवल की कोडिंग में। बट आई थिंक मेरे को वो काम करना चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों ने जो मैनेजमेंट के फॉर्म भरे हैं उसमें से हमने सबको कॉल करा, ठीक है, और सबका एक ही रिस्पॉन्स है यहाँ पे कि भैया हम बताते हैं। मैंने कहा अगर आपने फॉर्म भरा है मैनेजमेंट का, बहुत ध्यान से सुनना, तो प्लीज़
आप आगे 10 दिन के अंदर आपको बैंगलोर आना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। और आप रेडी रहो कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है बैंगलोर। कई बच्चे कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, देखेंगे, 2 या 3 दिन में बताएंगे। अब मैं कह रहा यार 2 या 3 दिन आपका लेटर इशू होना स्टार्ट हो गए हैं सारे कॉलेजेस में, समझो इस चीज़ को। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हम घर पे बात करेंगे, तो पहले ऑलरेडी बात कर लो घर पे कि मुझे मैनेजमेंट से आना, तो फॉर्म भरो। आप फॉर्म भर रहे हो, उसके बाद जब हम आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, फीस बता रहे हैं सबकी, उसके बाद आप कह रहे हो कि हम और 2-3 दिन लेंगे। तो यार लेटर इशू होना स्टार्ट हो गए हैं कॉलेजेस में, ठीक है। तो यार ये थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है कि बच्चों के साथ हमें रैपिडली कनेक्टेड रहना पड़ता है। इवन उनको हमें बार बार फ़ोन करके याद दिलाना पड़ता है कि आपने हमें कॉल करा था या हमने आपको कॉल करा था, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा मेनली हैक्टिक हो जाता है। मतलब कभी कभार तो ऐसा केस होता है कि टीम से हैंडल नहीं होता और मेरे को कॉल करना पड़ रहा है। मैं कॉल कर रहा हूँ रात के 9 बजे बच्चों को कि भाई आपने हमें फ़ोन करा था मैनेजमेंट के लिए कोई अपडेट, अगर आपको नहीं लेना तो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करो, कॉल करके इन्फॉर्म करो, लटकाओ मत किसी को। यार पूरी टीम इस चक्कर में परेशान हो रखी है कि बच्चे आते हैं फॉर्म भरते, एक बार बात करते हैं, कहते हैं कि हम बताते हैं, अगर आप नहीं ले रहे हो तो उनको बताओ कि मुझे नहीं लेना, अटकाओ मत किसी को। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल अभी चल रहा है, ठीक है। और एग्ज़ाम्स तो भाई ले रहे हैं अपनी अच्छे से, बट एग्ज़ाम हो जाते हैं, दोस्त वोस्त होते हैं तो एग्ज़ाम हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन जो बहुत बहुत लोगों ने पूछा है कि भैया आपने गर्लफ्रेंड बनाई है कभी कॉलेज में? देखो भाई मेरे को 3 साल होने को जा रहा है कॉलेज में, और मैंने कॉलेज में अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। ऑल्दो मेरी लड़कियों से बात होती है एज अ फ्रेंड, बट मैंने कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। मैं काम में ज़्यादा बिजी हो गया था तो मेरा टाइम ही नहीं मिला। The following day. Last question but not the least. हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में से 5-6 क्वेश्चन निकालूंगा और उसका हम हर दिन एक Q&A कर रहे होंगे। सो जिनने पूछा है उनने पूछा है कि भैया आपने अपनी 10th कहाँ से करी थी और आप कौन से शहर से हो? तो यार मैंने अपनी 10th करी थी सैन फ्रांसिस से, क्योंकि 11th-12th मैंने आकाश से करी थी, कोई डमी लिया था। सैन फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सिकंदरा, और मेरा शहर है आगरा, UP। तो यस, ये आज का था हमारा थोड़ा सा पर्सनल Q&A। अगर आपको भी कुछ और डाउट्स है तो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपके में से कोई 5 कमेंट उठा के मैं अगले वीडियो में उनको आंसर कर रहा हूँगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब करा प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सब्सक्राइब करा। कल मिलते हैं व्लॉग में, कल का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तब तक लिए बाय बाय। लाइक मार दिया ना 1, 2, 3 लाइक मार दिया ना, मुझे भरोसा है तुम पे, तुमने लाइक मार दिया होगा। चलो सब्सक्राइब करते हो जाना, बाय बाय। Baby, I am playing by your rules. Everything look better.